शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज सुनेंगे प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य, जिसकी ओरिजिनल डेट है 16 मार्च 1986। वाणी का सार है रूहानी ड्रिल। तो आज डबल लॉटरी है, मुरली के साथ साथ ड्रिल भी है, तो मुरली भी सुनते जाएंगे और ड्रिल भी साथ साथ करते जाएंगे। तो आज बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। बैठ जाएं सभी स्वीट साइलेंस की स्थिति में। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है चेक करें। अभी साइलेंस की स्थिति में स्थित होने में कितने सेकंड लगे। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है। आदि स्वरूप माना सत्युग का स्वरूप, अनादि स्वरूप माना शांति धाम का स्वरूप। तो शांति धाम का स्वरूप स्वीट साइलेंस का है, आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। ओरिजिनल संस्कार साइलेंस के ही है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। पहले जानना फिर स्थित होना। अपने आप को, अपना अनादि स्वरूप याद दिलाओ। अनादि स्वरूप, बिंदु स्वरूप, अनादि संस्कार शांति का संस्कार, अनादि स्वभाव शांति का स्वभाव। जैसे ही ये जानेंगे, याद दिलाएंगे, तो फिर उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मैं कौन हूँ, मेरी नेचर क्या है, मेरा संस्कार क्या है। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्कर पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। आए भी वही स्थिति से थे और जाना भी अभी वही है, चक्कर पूरा हुआ। तो अभी फिर से उस स्थिति में स्थित हो जाना है। भले ही 84 जन्म आवाज मिले, लेकिन ओरिजिनल संस्कार साइलेंस है और अब वापस भी जाना उसी धाम में है। अब घर जाने का समय समीप है। जब अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। पाठ पूरा हुआ, बुद्धि से पाठ को पूरा कर अपनी अनादि आदि स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाना है। अनादि स्वरूप और अनादि स्थिति में स्थित हो जाना है। इसीलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। आवाज़ में आने का अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आवाज़ में आने का तो 84 जन्मों का संस्कार है। लेकिन अभी क्योंकि आवाज़ से परे जाने का समय आ रहा है, इसीलिए आप
आवाज से परे जाने का अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं, अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं, आवाज़ में नहीं आना चाहे तो ये मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। रूहानी ड्रिल, जब चाहे, जिस स्थिति में चाहे, जितने समय चाहे, अब मैं आत्मा स्थित हो जाऊँ, यह है रूहानी ड्रिल। जैसे जिस्मानी ड्रिल करते हैं ना, तो हाथों को जिस पोजीशन में चाहे, जब चाहे, जितनी देर चाहे, उतनी देर स्थित करने की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, वो होती है जिस्मानी ड्रिल से। पैरों को, हाथों को, शरीर को, जब चाहे, जिस स्थिति में चाहे और जितना समय चाहे, उतने समय स्थित कर सकें, उसके लिए अभ्यास किया जाता है। ऐसे ही बाबा कहते, मैं आत्मा जितनी देर चाहूँ आवाज़ से परे स्थित हो सकूँ, जब चाहूँ, कैसा भी वायुमंडल, कैसा भी वातावरण है, पर मैं जब भी चाहूँ कि मैं आवाज़ से परे बिल्कुल साइलेंस की अपनी अनादि अवस्था में स्थित हो जाऊँ, तो जब चाहूँ, जितनी देर चाहूँ स्थित हो सकूँ। ये कब होगा? जब हम इसका अभ्यास करेंगे बीच बीच में, किसी भी समय अलार्म सेट कर दें, और जैसे ही अलार्म गया, ऐसा भी नहीं कि अपनी चॉइस से, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा, जहाँ भी हूँ, जिस भी परिस्थिति में हूँ, एक सेकंड में आवाज़ से परे स्थित हो जाऊँ। ये अभ्यास करते करते ये आवाज़ से परे स्थिति में स्थित करने की मसल बिल्ड हो जाएगी। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते भी आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। बहुत काल के अभ्यासी ही अंत में विजयी बन पाएंगे, क्योंकि टेस्ट पेपर तो एक सेकंड का आएगा, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यास जो है वो बहुत काल का चाहिए। कौन सा अभ्यास? चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास, आवाज़ में आते भी आवाज़ से परे स्थिति। जानकी दादी जी कहते थे कि जब तुम वाचा में आते हो, तो वाचा में आते हुए भी साइलेंस की शक्ति जमा हो, वाचा में आते भी इतनी साइलेंस की स्थिति में वाचा में आए कि आधे घंटे बोलने के बाद साइलेंस की शक्ति बढ़ गई हो, ना कि घट गई हो। तो आज बाप दादा यही बता रहे हैं कि आवाज़ में रहते भी आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, हलचल सिर्फ बाहर नहीं होती, अंदर अपनी कमजोरियों की हलचल चल रही है, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसे हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लग जाता है। अपने मन को ऑर्डर दिया और हलचल से परे अचल स्थिति में स्थित हो गए, इसको कहेंगे कर्मेंद्रिय जीत।
क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। अगर टाइम लगता है स्थित होने में, तो ये टाइम लगना धोखा दे सकता है। कैसे? समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकेंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। तो एक तो अंत के समय में चारों ओर की हलचल का रूप भी बड़ा विकराल होगा, और उसके बीच समय भी ज़्यादा नहीं होगा, और वो 1 सेकेंड या 1 मिनट या कुछ सेकेंड का जो पेपर होगा उसमें अपने को स्थित ना कर पाए और इसके अभ्यासी नहीं होंगे, तो फिर समय हमें उस समय धोखा दे देगा। इसलिए तुरंत कैसे भी वातावरण में अपने आप को शांति में स्थित कर सकें, ये बहुत काल का अभ्यास हमारा होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते कि अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी, है ना। अब आप देखो, स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, कोई कहे मुझे मैथ्स करना तो आता है, लेकिन मैं 1 घंटे में 10 प्रश्न नहीं कर सकता, मैं 1 घंटे में सिर्फ 1 प्रश्न कर सकता हूँ, तो क्या वो पास होगा? नहीं। तो योग्यता के भी मार्क्स हैं, तो स्पीड के भी मार्क्स हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते, हम अपने आप को शांत स्थिति में स्थित कर पाएँ ये अभ्यास भी चाहिए, और इमीडिएटली कर पाएँ ये अभ्यास चाहिए, वरना अंत की रिजल्ट क्या होगी। इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। आज से अपने चार्ट में नोट कर लेना, कितनी बार रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास किया और कितनी कितनी देर तक कर पाए। एक होता है एकदम से स्थित हो जाना, कैसे भी वातावरण में कितना टाइम लगता है हलचल से अचल में आने में, और दूसरा अभ्यास है कि हलचल से अचल बन तो गए लेकिन कितने समय उस अवस्था में टिक पाए। ये दोनों बातें अपने चार्ट में नोट करना आज से। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय वहां स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, और पहले से ही बता भी देते हैं कि ये पेपर आना है। ऐसा कोई स्कूल देखा है जहाँ आपको क्वेश्चन पेपर भी मिला हुआ है फिर भी फेल हो जाए, है ना, तो क्या कहेंगे फिर उसे। तो बाबा कहते कि पेपर भी तुम्हें पहले से दे दिया है कि अंत में कौन सा पेपर पास करना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। एक तो स्टेज पावरफुल होना माना बहुत समय तक उस स्थिति में स्थित भी हो सके। एक तो 1 सेकंड में स्थित हो जाए और फिर बहुत काल तक स्थित रह भी सके। तो स्टेज भी पावरफुल और सेकंड में स्थित हो जाए, ये अभ्यास होना चाहिए। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करें। सब होते हुए भी आकर्षित ना करें। अभी आप देखो, हम जब साइलेंस का अभ्यास करते हैं तो बाहर से एक आवाज़ भी आती है तो कहते डिस्टर्बेंस हो गई, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, देह है, देह हलचल में है, देह के संबंध हलचल में है, हमारा कोई निकट संबंधी अपना वो हलचल में है ना। देह का संस्कार जो है, भूख का, प्यास का, गर्मी का, सर्दी का, वो अपनी तरफ खींच रहा है,
व्यक्ति है, वैभव है, वाइब्रेशन और वायुमंडल डर का है, भय का है, क्रोध का है, हिंसा का है, कैसा भी वाइब्रेशन या वायुमंडल है, सबके रहते भी हमें किसी की आकर्षण ना हो और हम बिल्कुल न्यारी और शांत अवस्था में स्थित हो जाए, कितना अभ्यास चाहिए इस अवस्था के लिए। बाबा कहते इसी से अंत का पेपर पास होना है। अब समझ आ रहा है कितना अभ्यास करना है। इसीलिए ये अभ्यास कैसे करना है, दिन भर में कैसी भी परिस्थिति है, मैं अपने आप को पक्का करूं कि दिन भर में हर सेकंड में कैसी भी परिस्थिति है, मैं अपने आप को जब चाहूं बिल्कुल देर से न्यारी शांत आत्मा स्थिति में स्थित कर लूं, जितनी देर चाहूं कर सकूं, और जब मैं आवाज़ में भी आऊं तो भी मेरी स्थिति जो है वो आवाज़ से परे वाली हो। यह अभ्यास निरंतर करते रहना है क्योंकि अंत का पेपर यही है। आज सोचा था कि आपको क्वेश्चन पेपर ही दे देंगे बाबा। इसी कोई कहते नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप, तो ऐसी प्रैक्टिस है लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। और वो लोग कौन है, कोई दुनिया वाले नहीं, अपने, जिनको आप अपना मेरा मेरा कहते हो ना, वो चिल्लाते रहें पर हम अचल रहें। जाना अकेले है, केवल बाबा के साथ जाना है। डूबते हुए के साथ डूब जाएंगे तो हमारी अंतमते सोगति क्या होगी। उस समय अपने आप को याद करना कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा सर्वसंबंधी बाबा है, और हर एक आत्मा अभी अपना हिसाब किताब चुक्त कर कर जाएगी, और मुझे अपनी अंतमते सोगति के बारे में चिंतन करना है। लेकिन वो स्थिति तब होगी जब बहुत काल का अभ्यास होगा। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, शरीर से बिल्कुल न्यारे हो गए और बाबा के साथ लवलीन अवस्था में मगन, ये एक्सरसाइज करो बार बार, तभी अंत में वो अवस्था पक्की होगी। ऐसा अभ्यास हो, इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। न्यारापन से साइलेंस आता है, बाबा के प्यारे बनने से स्वीटनेस आती है। तो देह से न्यारी, बाबा की प्यारी, यह स्वीट साइलेंस की अवस्था। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, कमी भर कर प्रैक्टिस अभ्यास बहुत काल का होगा तभी अंत में कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा आज अभ्यास किया और कल अंत का पेपर दे देंगे, नहीं, बहुत काल का अभ्यास का हिसाब है। तो अभी थोड़ा चांस है, और याद है ना वो मुरली, जब बाबा ने कहा था कि आज से बहुत काल अल्प काल में बदलने वाला है, याद करो मास दो मास पहले की वाणी है बाबा की। तो बाबा बहुत काल का अभ्यास भी सुना रहे हैं कि अगर लेट से शुरू करेंगे तो अल्प काल का समय आरंभ हो जाएगा, फिर अगर बहुत अभ्यास भी करेंगे तो भी वो बहुत काल में गिना नहीं जाएगा। तो अभी थोड़ा चांस है, इसीलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है कि समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है। हाँ, तो बाबा कहते क्या प्लान है, लास्ट में तैयार हो जाएंगे या अभी से होना है।
इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, क्योंकि ज्ञान योग धारणा सेवा सभी करते हैं, पर अंतमते सोगति का ये अभ्यास इस पर अटेंशन बहुत कम देते हैं, इसीलिए अष्ट रत्नों की माला में सिर्फ आठ हैं। जो फुल पास होते वो सिर्फ आठ हैं, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। क्यों? क्योंकि पेपर सेकंड का ही होगा, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन ज़रा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहाँ और बिंदी में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। उस समय अभ्यास करें वैसी ताकत नहीं होगी, क्योंकि जो बाहर की हलचल है, बाहर की प्रकृति की माया की जो आकर्षण है विकर्षण है, वो बहुत विकराल रूप की होगी। तो बाबा कहते लास्ट ट्रायल सब करेंगे, प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी पूरी लगाएगी, ट्रायल करेगी, उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने इस खींच का वर्णन किया था कि कैसे एक तरफ कर्म भोग और दूसरी तरफ योग, दोनों की खींच इक्वल थी और लास्ट में योग ने भोगना पर विजय पाई। तो बाबा भी कहते कि अंत में हरेक को ये पेपर देना है कि उस तरफ प्रकृति और माया तो अपना पूरा विकराल खेल, अपना लास्ट दाव पूरे अच्छी तरह खेलेंगे, लेकिन हमारी अवस्था हमने कैसी बनाई है, क्या हम उनको टक्कर दे सकेंगे, है ना। तो उसका अभ्यास हमें अभी से करना है। जैसे कोई चैम्पियनशिप का मैच होता है तो बहुत समय से अभ्यास करते रहते हैं ना, क्योंकि उस दिन ओपोनेंट तो बहुत फियर्सफुल होगा, तो उसके साथ कैसे जीत पाएंगे जब अपनी तैयारी पूरी की होगी। तो बाबा कहते हैं वो भी फुल फोर्स और ये भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर वन आना ही है, लेकिन तैयारी भी तो करें ना। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी वन आएंगे। अगर एक बात में ज़रा भी व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसीलिए सब चेक करो, एक बात कौन सी बात, शरीर की तरफ, देह के संस्कार की तरफ, है ना, संबंध, वैभव, व्यक्ति, वायुमंडल, वातावरण, किसी की तरफ भी विचार चला गया, व्यर्थ संकल्प चला गया तो फेल हो जाएंगे। चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ का फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता हो तो तैयारी कर लेते हैं ना, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन का पता होता है इंतज़ार करते, इंतज़ाम नहीं करते। बाबा कहते नहीं, इंतज़ाम करो, इंतज़ार नहीं करो, तैयारी करो, फिर पास हो जाते। आप सभी तो पास होने वाले हो ना? हाँ जी, बोलो भाई। हाँ, अच्छा। ये सीज़न बाप दादा ने हरेक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। खुला भंडारा खुला हुआ है ना, सीज़न दिखी ना,
हाँ, फेब्रवरी से सीज़न शुरू हुई है तो ऐसा खुला भंडारा है कि जब चाहो जितने समय चाहो बाबा से मिलन मना सकते हो। सब तरफ से सहयोग भी मिला है। देखो मुरली तो एक्यूरेट चल रही है, 86 की ओरिजिनल डेट भले है लेकिन है तो आज ही के महावाक्य। आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हो वो तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीज़न में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। भले भरी झोली वरदानों से, वरदानी समय आया है ना। दुनिया के लिए हाहाकार, हमारे लिए वरदानों की झोली भरने का समय आया। हर एक देखें कितनी झोली भरी। बाप दादा ने जो वायदा किया है वो तो निभाएंगे। इस सीज़न का फल खाओ, फल है मिलन और वरदान। सभी सीज़न का फल खाने आए हो ना, बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है ना। साकारी सृष्टि में परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाता है बाबा। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग-अलग हैं लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है। उमंग उल्लास एक ही है। बाबा का हर घर बाबा का सेवा स्थान है और बाबा के हर घर का लक्ष्य एक ही है। सेवा का लक्ष्य एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। बाबा को अपना हर स्थान उतना ही महत्वपूर्ण उतना ही प्यारा है। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलने हैं। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती है, कोई की समय पर दिखाई देती है, देरी से कभी नहीं। कोई की जल्दी कोई की समय पर देर कभी नहीं होती। और जहां भी बच्चे पहुंचे हैं कोई ना कोई रिजल्ट निकलनी है इसीलिए पहुंचे हैं। लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं देखो भाई। अपने अपने सेवा स्थानों को बाबा तो हर जगह निगाह दौड़ा रहा है और देखता है हर स्थान पर कितने मेरे हीरे मोती रत्न जो हैं वो बच्चे बैठे हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण है, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। इसीलिए बाबा कहते ना, बाप पे निश्चय के आधार से स्व पर निश्चय होना चाहिए कि यदि मैं बाप का बना हूं तो मुझ में विशेषता आवश्यक है। विशेषता है लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। और विशेषता वृद्धि को कब पाती है, जब सेवा में लगती है। बाकी हैं सभी विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो, हर एक शक्ति महान आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे होना, हाँ बाबा पहले स्मृति दिलाते फिर पूछते, चेकिंग करो ऐसे हो या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। हाँ, विश्व कल्याणकारी हो शक्तियों या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, अब 19 मार्च 1986 का रिवाइज्ड कोर्स है। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला, अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागवान, रूहानी ड्रिल कराई बाबा ने। अब बाबा
फिर रोल चेंज करकर बागवान बन गए। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं, सभी रोज़ेस हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगमयुग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं, खुशबू भी देख रहे हैं, खिले हुए पुष्पों की रूहानी रौनक भी देख रहे हैं। देखो भाई, खिल जाओ, पूरे खिल कर बैठो। बाबा भी तो देखें अपने फूल को, बाबा की दृष्टि पड़े मुझ रूहानी फूल पर, अपनी पूरी रौनक में पूरे खिले हुए बैठो, पूरी खुशबू को इमर्ज कर कर बैठो। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कभी थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन हैं फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। वैरायटी है, पर हैं तो रूहानी बगीचे के, रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। कभी कोई मुरझा जाते हैं, कभी कोई सदा खिले रहते हैं, है ना? तो बाबा कहते कभी सदा खुशबू वाले होते, कभी कोई कभी कभी खुशबू वाले होते। तो बाबा कहते कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है। अपनी खुशबू भी चेक करो, कौन सी खुशबू विशेष है। वैसे तो सारी खुशबू होती है, लेकिन कोई एक खुशबू विशेष होती है जो आपका USP होता है, जिसे कहेंगे ना वो वाला गुलाब, तो उसकी वो विशेषता, उसकी वो खुशबू की विशेषता अलग होती है। तो बाबा कहते कोई में ज्ञान की खुशबू विशेष होती है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू है, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी, जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही। परिवार में भी और बाबा की भी, सबकी नजर किस पर जाती, जो सर्व खुशबुओं से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, कभी मुरझाए कभी खिले, कभी खुशबू कभी नहीं, उस पर कम नजर जाती है। तो सदा खिले हुए और सदा खुशबू वाले, ऐसे पर नजर ज्यादा जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार देखते तो सबको हैं बाबा, लेकिन नंबरवार। चाहते हो बाबा की नज़र एक मुझी पर पड़े, तो क्या करना होगा, अपनी खुशबू और रंगत को बढ़ाना है। प्यार भी सभी से है, लेकिन हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। प्यार भी सभी से क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान के प्रति अति प्यार है। प्यार के सब्जेक्ट में तो सब पास हैं, बाबा ने कई बार सर्टिफिकेट दिया है। तो बाबा कहते प्यार सबके प्रति है, लेकिन नंबरवार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न और सदा खिले हुए, मुरझाए हुए कभी नहीं, कभी मुरझाए ना हो, ऐसे शोकेस में रखे जाते हैं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। और हम गुलाब के पुष्पों को कब सस्टेनेंस मिलती है, स्नेह और शक्ति की पालना कब मिलती है, अमृत वेले। तो जब बागवान आते हैं,
उस समय पर स्नेह और शक्ति भरनी है, और अगर वो समय मिस हुआ तो फिर कभी खिले हुए, कभी खुशबू वाले, कभी नई ऐसे बन जाएंगे, है ना। देखो बाबा आज कहते शो केस में वो रहते हैं जो सदा खिले हुए और सदा खुशबू वाले हैं। प्रैक्टिकल भी आप देखो किसको आगे रखा जाएगा, जो कंसिस्टेंट होगा, है ना। मान लीजिए आज एक सेवा मिली, आज सेवा की पूरी फलक से की, जोश से की, कल जोश ठंडा हो गया, परसों एब्सेंट ही हो गए, तो माना एक दिन खुशबू नहीं है, खिला हुआ तो है पर खुशबू नहीं है, प्रेजेंस है पर फिर वाइब्रेशन नहीं है, दूसरे दिन तो मुरझा ही गया, एब्सेंट ही हो गया। तो ऐसे को फिर शोकेस में नहीं रख सकते ना, क्योंकि ऐसे को देखकर तो अनेक डिस्करेज हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बाबा के रूहानी शोकेस के शोपीस कौन बनेंगे, जो सदा खुशबू वाले और सदा खिले हुए होते। इसीलिए कंसिस्टेंटली ब्यूटीफुल और पावरफुल रहना है ना, उसके लिए क्या करना होता है, अमृत वेले पर अटेंशन। बाबा रोज़ अमृत वेले स्नेह और शक्ति की पालना रूहानी पुष्पों के लिए करते हैं। अगर हमारा ये एक एक अभ्यास पक्का है अमृत वेले का, और हम रोज़ अपने को स्नेह और शक्ति से सींचते हैं, तो हम सदा खिले हुए और सदा खुशबूदार रह सकते हैं। तो बाबा कहते अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, अमृत वेले विशेष परमात्म मिलन की वेला है। परमात्म मिलन माना सब कुछ मिलता है परमात्मा के द्वारा, भंडारे भरपूर करने की वेला है वो, रूहानी रूहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। मन इच्छित फल प्राप्त होता है, वरदानों के दाता भाग्य विधाता झोली हमारी भरने के लिए भंडारे खोलते हैं। लेकिन हम देखें हम कितने चात्रक होकर बैठते हैं और बुद्धि की झोली कितनी चौड़ी फैलाकर बैठते हैं। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभव ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। ये लॉजिक की बात नहीं, ये मैजिक की बात है। जो अनुभव करता है वही जानता है इस सुहावने समय की शक्ति और श्रेष्ठता को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं वाह मेरे रूहानी गुलाब, आप वाह वाह के गीत गाते हो, बाप दादा भी यही गीत गाते हैं, समझा। अब बाबा कहते मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो, किस में, ज्ञान में, अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो, ये उमंग बहुत अच्छा है, सुना खुद को मिला अच्छा लगा सब ठीक, लेकिन अब महादानी बनकर बांटना है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। बाबा आज यूके वालों को क्या टाइटल दे रहे, ओके रहने वाले। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा शब्द है वो, थैंक यू। क्योंकि जब भी आत्मा थैंक यू कहती है उसका बुद्धियोग किससे जुड़ जाएगा, उससे जिसके लिए दिल से हजारों धन्यवाद निकलते हैं। तो दुनिया में किसी को भी थैंक यू कहते हैं तो बुद्धियोग इमीडिएटली बाबा के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि पहले धन्यवाद बाबा के लिए जाता है। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं।
तो जब किसी को भी थैंक यू करते हो, पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो, विदेश में तो ये बहुत कल्चर है, तो बाबा कहते, फिर अनेक बार बाबा के साथ बुद्धि योग जुड़ता है। तो बाबा कहते, ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना, जितने भी राज सत्ता, धर्म सत्ता, हर तरह के साइंस के सत्ता वाले हैं, सबको मिलाने की योजना यूके वाले बनाते हैं। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में लाना, ब्राह्मण भाषा में ला आना। तो ये काम बाबा कहते यूके निमित्त बनकर बहुत कर रहा है, क्योंकि भारत में तो फिर भी यूनिफॉर्मिटी है कल्चर की, धर्म की, भाषा की, लेकिन विदेशों में भिन्न भिन्न धर्म, भाषा, वर्ग, भिन्न भिन्न शक्तियाँ, कोई साइंस की शक्ति वाला, कोई विज्ञान की शक्ति वाला, कोई पॉलिटिक्स की शक्ति वाला, कोई धर्म की शक्ति वाला। बाबा कहते सबको एक सूत्र में बांधना, सबको एक धर्म, एक भाषा। कौन सी भाषा? धर्म, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों के वर्ग में लाना, ये कार्य यूके कर रहा है। अब ब्राह्मणों की भाषा है क्या कोई? है ना। हाँ, तो जैसे ब्राह्मण बनते हैं तो अपने आप ही भाई और बहन, ये हमारी भाषा बन जाती है, आत्मा भाषा बन जाती है। दूसरा कोई सुनता है तो उसको अजीब लगता है ना। पहले कहते थे ये मर गए, अब कहते हैं ये शरीर छोड़ दिया, तो ऐसा लगता है सामने वाले को पता नहीं क्या कह रहे हैं। पहले खाना कहते थे, अब भोजन कहते हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मणों की भाषा भी अनोखी होती है, ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं, है ना। पहले तो दुनिया में बाबा कहते थे तो क्या समझते थे, कोई देहधारी होगा। अब बाबा देखो, बाबा का अर्थ ही बदल गया। तो बाबा कहते, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही है, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। मधुबन बड़े घर, यज्ञ की नींव के प्रति पहला संकल्प चलना, सहयोगी बनना, ये सहज योगी बनने का आधार है। जब हम दादियों की बातें सुनते हैं, आदि की, तो ये विशेष बात नज़र आती है कि दादियों के अंदर यही आता था, कोई छोटी सी भी चीज़ आई है तो सबसे पहले यज्ञ में पहुँचे, मधुबन बड़े घर में पहुँचे, और वहाँ जब कोई चीज़ जाती है तो सफल होती है और फिर उससे वृद्धि होती है, सफलता मिलती है। तो ऐसे सहयोगी, सहज योगी बन जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते यूके भी क्या करता, सबसे पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है ना। चाहे वो जो हम सेवा भेजते वो बाबा मिलन में लगे, ब्रह्मा भोजन में लगे, या पढ़ाई में, लेकिन बाबा कहते बाबा के घर में सफल होता है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। जैसे ही संकल्प मधुबन की तरफ जाएगा तो बाबा की तरफ जाएगा।
बाबा के यज्ञ के बारे में विचार करना माना बाबा से बुद्धि योग जोड़ना। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है, चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं, बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है, इसीलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेही की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। स्नेह से जब कुछ भेजते वो स्नेह हमें मधुबन से और बाबा से जोड़ देता और ये स्नेह ही लिफ्ट बनकर हमारी उन्नति कराता, तो वो भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं। अगर कोई वैसे भी भल कितना भी दे देवे लेकिन स्नेह नहीं है तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है, तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे। स्नेही की निशानी है सहयोगी। हम कहें हमारा स्नेह है और हम सहयोगी नहीं हैं तो हमारा स्नेह है या नहीं, इस पर क्वेश्चन है। यही सहज योग भी है, सहयोग करना ही सहज योग है, क्योंकि जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी बाप को, बाप तो याद ही रहेगा ना, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। बाबा को दिल से करने वाले और दिल वाले दोनों अच्छे लगते हैं। दिल वाले माना खुली दिल से करने वाले, एक है स्नेह भरी दिल से करने वाले, दूसरी खुली दिल से करने वाले। हम कहें स्नेह है लेकिन दिल छोटी है तो छोटा सौदा कर सकेंगे, और स्नेह है और दिल बड़ी है तो बड़ा सौदा बाबा से कर सकेंगे। भोला भंडारी है ना, तो भोले भंडारी से सौदा करना है 1-2 लाख पाओ, लेकिन बाबा कहते दिल बड़ी होगी तो उतना ही, दिल बड़ी के आधार से उस दिलाराम के यज्ञ में उतना करेंगे तो फिर बाबा भी उतना ही उसका रिटर्न देता है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं, है ना। अगर दिल इतनी बड़ी है तो वृक्ष की शाखा है लेकिन वो भी तना बन जाती है और अनेक शाखाओं को सपोर्ट कर पाती है। तो बाबा कहते तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वो शाखाएं भी तना बन गई हैं, उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए। तो ऐसी बड़ी दिल से क्या हुआ, इतनी ताकत भरी है कि यूके भी अनेक शाखाओं और उन शाखाओं को भी तने बनकर उनकी भी उपशाखाओं के निमित्त बन गया, और हर एक तना भी शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकेला दे मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, देह भान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्मान चित्त भव।
देहभान का त्याग करते तो निर्माण चित बनते तो कभी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ निर्माणता नहीं होती, देह अभिमान होता है, वहीं क्रोध आता है। जो बच्चे देहभान का त्याग करते उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं, एक जब कोई झूठी बात कहता है और दूसरा जब कोई ग्लानी करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। निर्माण चित्त कोई कुछ भी दे, हमें वो उसे देना है जो हमें बाप से मिला है, क्योंकि ये हमारा बाप के प्रति ग्रैटिट्यूड है कि कोई हमें कुछ भी दे, हम वो दें जो हमें बाप से मिला है। और इस निर्माण चित्त की विशेषता के द्वारा ही ये परिवर्तन, जो गाली देने वाले को गले लगा सके, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मान सके और अपकारी पर उपकार कर सके, इसी विशेषता से हम प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ट्रू फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम कब आएगी? जब माया से अधीनता जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हम माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनेंगे, तब मौज का अनुभव करेंगे। ओम शांति। आज भी भोग लगेगा श्राद्ध का, और श्राद्ध के भोग की अभी तैयारी हो रही है, अभी लग जाएगा, और मुरली के पश्चात आप सभी को निमंत्रण है, आप सेंटर पर आकर भोग स्वीकार कर जाएं। भोग ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है, उससे अपने आप को वंचित ना करें। श्राद्ध के भोग हर गुरुवार और रविवार लगेंगे अमावस तक, तो आप अपना अधिकार प्राप्त करने आज भी ज़रूर आएं। ओम शांति।